हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5.3 के रेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की तरफ। इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका 16, 14, 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चन है वो कैसे हैं। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है क्या चीज़, कहता है द सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज, कहता है द सम ऑफ 700 इज टू बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास 100 रुपए है, पूरा 100 रुपए है, सम ऑफ 700 पूरा 100 रुपए है, उसको आप यूज्ड कर रहे हैं टू गिव ए 7 कैश प्राइजेस, मीन्स 7 कैश प्राइज देने के लिए आप उस 700 को यानी 700 को यूज कर रहे हैं टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपके स्कूल में जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उनमें आप 700 रुपए देते हैं, इसमें प्राइस के रूप में 700 रुपए देते हैं प्राइस के रूप में, और ये 700 रुपए इकट्ठा एक आदमी को नहीं मिल रहा, कह रहा 7 कैश प्राइजेस, 700 रुपए यूज किया जाता है 7 कैश प्राइज में देने के लिए, 7 कैश प्राइज में देने के लिए। कह रहा इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, कह रहा है कि जो एक प्राइज है यानी जो हर एक प्राइज है वो एक दूसरे से 20 रुपए कम है, 20 रुपए कम है, ये चीज आपको बोला जा रहा है। ठीक है, देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, जो आगे वाला जो पीछे वाला जो प्राइज है मतलब जो पहला प्राइज है उससे जो कम है वो आपके पास 20 रुपए कम का प्राइस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, जितने भी प्राइज है उनकी वैल्यू बताना है। तो टोटल कैश कितना आपके पास ये दिया गया है, टोटल कैश अगर देखा जाए टोटल कैश है 700 रुपीज, इतना दिया गया है 700 रुपीज का कैश दिया गया है। और 700 रुपीज के बाद अगर देखा जाए तो हमको क्या बोला गया है कि जो प्राइस है वो 20 मीटर लेस है। ठीक है, ये कह रहा है प्राइस जो है देन द प्रीसीडिंग प्राइस, प्रीसीडिंग प्राइसेस, इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट प्राइस क्या है मान लेते हैं, इफ फर्स्ट प्राइस जो है अगर फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना है 100 रुपए, तो सेकंड कितना होगा, फर्स्ट प्राइस जो आपका 100 रुपए है तो सेकंड प्राइस कितना होगा, सेकंड वाला जो प्राइस होगा पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम होगा, मतलब सेकंड प्राइस जो होगा होगा एक्स माइनस 20 कितना होगा, थर्ड जो प्राइस होगा वो हो जाए एक्स माइनस 20 माइनस 20, सेकेंड वाले से 20 कम होगा, एक्स माइनस 40 मिलेगा, और एंड सो ऑन इस तरीके से चलता जाएगा, 7 प्राइस जो भी होगा ठीक है वो भी आपका कम होगा। ठीक है, तो हमको फर्स्ट प्राइस इतना है और अनदर प्राइस जो आएगा वो 20 रुपए कम होते हुए मिलेगा पीछे वाले से। ठीक है, तो थर्ड प्राइस जैसे 20 रुपए कम हुआ सेकंड वाले से, और उसके बाद में आपका फिर फोर्थ प्राइस जो होगा वो भी 20 रुपए कम होगा थर्ड वाले से, इस तरीके से चलता जाएगा। तो टोटल हमें दिया है, आपको दिया है टोटल जो प्राइस है, टोटल प्राइस जो है वो कह रहा है 7 है, मीन्स एन की जो वैल्यू है 7, इन 7 प्राइस को अगर ऐड करेंगे, 7 कैश प्राइस को जब ऐड करोगे तो 700 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। 700 से आपने कुछ पैसा निकाला फर्स्ट वाले को दिया, फिर कुछ पैसा निकाला फिर सेकंड वाले को दिया, इस तरीके से देते गए तो 700 यूज हो गया। 700 से ही आपको 7 प्राइजेस बनाने हैं, उस 700 से 7 प्राइजेस इस तरीके से बनाने हैं कि आप एक प्राइस जो होता है वो 20 रुपए कम होता है। ठीक है, प्रीसीडिंग वाले से, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइस कितना है 7, इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी 7 की। अब इस इन 7 प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 700 मिलना चाहिए। इसका मतलब SN इज इक्वल टू क्या है, N बाई टू
एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास ठीक है। यहां पास अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस है माइनस का 20, क्योंकि पीछे जो आगे वाला डिजिट जाएगा वो पीछे वाले से 20 कम होगा ठीक है। तो और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है x, सम दिया है कितना, जो एस सेवन है सेवन प्राइस का सम कितना हो जाएगा, सेवन बाई टू टू एक्स सिक्स माइनस टू 20, डी की वैल्यू 20 है ठीक है, क्योंकि टोटल आपके पास नहीं, सम ऑफ एस सेवन कितना है 700 आपके पास, 700 एस सेवन यानी सेवन कैश प्राइस का सम कितना होगा, टोटल प्राइस का सम कितना होगा 700 है, क्योंकि यही आपको मिला था तो 700। यहां से टू कॉमन ले लिया जाए तो टू इंटू ये आ जाएगा एक्स और ये मिलेगा माइनस का 60, टू कॉमन आ जाएगा थ्री बनेगा, थ्री आपका हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते इसको, ये हो गया और ये खत्म हुआ, तो 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस का 60 इधर आया तो कितना मिलेगा, एक्स इक्वल टू मिलेगा 160, यानी फर्स्ट प्राइस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, फर्स्ट प्राइस जो मिल रहा है वो 160 रुपीज मिल रहा है ठीक है। फर्स्ट प्राइस जो है, फर्स्ट प्राइस है रुपीज 160, सेकेंड प्राइस कितना है, सेकेंड प्राइस वो कितना है रुपीज 140, 20 कम हो जाएगा। थर्ड जो प्राइस है वो कितना, 20 फिर कम हो जाएगा, कितना मिलेगा 120। फिर इसी तरीके से फोर्थ प्राइस ये भी कितना मिलेगा, फिर से 20 कम मिलेगा रुपीज 100 ठीक है। फोर्थ प्राइस हो गया, फिफ्थ प्राइस वो कितने मिलेगा, फिर से रुपीज 20 कम मिलेगा 80 ठीक है। सिक्स्थ प्राइस वो 20 फिर कम मिलेगा यानी रुपीज 60। सेवेंथ प्राइस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेवेंथ प्राइस फिर 20 रुपए कम मिलेगा मीन्स 40। इस तरीके से आपके प्राइजेस मिलेंगे ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नहीं क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर ट्री को प्लांट कर रहे हैं, किस लिए प्लांट कर रहे हैं, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ट्री को प्लांट किया जाता है ठीक है। कह रहा इट वाज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया है दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी जितने भी सेक्शन हैं उन ईच सेक्शन के जो ईच क्लास ठीक है, हर एक क्लास के कई सेक्शन चलते हैं ए बी सी डी, यानी फर्स्ट ए बी फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से चलते हैं आपके पास। कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, मीन्स जितना भी सेक्शन है ईच क्लास का वो अपने क्लास के बराबर, ईच सेक्शन विल प्लांटेड द सेम एज द क्लास, जो क्लास है उसी के बराबर अपना ट्री प्लांट करेगा। मीन्स अगर कहने का बात किया जाए, जो आपके पास सेक्शन है ए, सेक्शन फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन ए है वो आपका एक एक ट्री लगाएगा, सेक्शन फर्स्ट और बी जो है क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन बी है वो भी फर्स्ट एक ट्री लगाएगा, फर्स्ट क्लास का सेक्शन सी जो है वो भी कितना लगाएगा, वो एक ट्री लगाएगा, मतलब फर्स्ट क्लास के जो बंदे होंगे एक ट्री लगाएंगे
ठीक है, ए वाला भी एक ट्री लगाएगा, बी वाला भी एक ट्री लगाएगा, सी वाला भी एक ट्री लगाएगा। इस तरीके से क्लास सेकंड है उनका जो आपके पास अगर देखा जाए, उनकी जो क्लास है सेकंड क्लास है उसमें भी सेक्शंस हैं, वो सेकंड क्लास का स्टूडेंट दो ट्री लगाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस तरीके से थर्ड क्लास की अगर बात करें तो थर्ड क्लास यानी एक जो क्लास है वो तीन ट्री लगाएगा, सेक्शन ए भी तीन ट्री लगाएगा, सेक्शन बी भी तीन ट्री, थ्री ट्री लगाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा आपके पास, ठीक है। इन ईच इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेक्शन ए ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री एंड सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट टू ट्रीज एंड ऑल्सो अनटिल क्लास 12, यानी 12 तक आपको ये प्लांट करना है। देर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास, कितने सेक्शन है, तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन है हर एक क्लास के। तो बताना हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, आपको बताना है कुल कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं, किनके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर देखा जाए हर एक सेक्शन के, हर एक क्लास के तीन सेक्शन है, तो हम यहाँ पास निकाल सकते हैं कि जो है आपके क्लास टोटल ट्री प्लांटेड बाय द क्लास फर्स्ट, टोटल ट्री प्लांटेड बाय द क्लास फर्स्ट इज थ्री, सेकेंड क्लास के द्वारा कितना किया जाएगा, सिक्स, ठीक है। ठीक है, टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट कितना हो जाएगा, वन, सेक्शन वन, टू या थ्री, क्या कहें हम, ए बी सी की टोटल कितना हुआ, थ्री हुआ। मीन्स अगर हम इसको कहें तो टोटल ट्री कितना होगा, क्लास फर्स्ट जो है एक ट्री प्लांट करेगा, इस तरीके से तीन सेक्शन है तो कितना ट्री मिलेगा, थ्री इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स, सॉरी थ्री, ठीक है। टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, सेकंड के द्वारा कितना होगा, सेकंड क्लास दो ट्री लगाता है लेकिन सेक्शन कितने हैं, तीन है, इसका मतलब तीन सेक्शन है, दो ट्री लगाएगा तो सिक्स ट्री हो जाएंगे, ठीक है। टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, इसमें भी तीन सेक्शन है, एक एक क्लास जो होता है तीन ट्री लगाता है तो कितना मिलेगा, थ्री इंटू थ्री, एक सेक्शन तीन लगाएगा, एक क्लास तीन ट्री लगाए तो तीन सेक्शन है तो कितना मिलेगा, नाइन ट्री लगाए जाएंगे। एंड सो ऑन, इस तरीके से क्लास एंड सो ऑन आपको क्या मिलेगा, ठीक है। टोटल ट्री प्लांटेड बाय क्लास फोर्थ क्या मिलेगा, क्लास फोर्थ के द्वारा कितना मिलेगा, फोर इंटू थ्री कितना मिलेगा, या तो हम कहें थ्री इंटू फोर, ट्वेल्व ट्री। और दिस सिक्वेंस फॉर्म है पी, ठीक है। तो ये चीज हमको मिलेगा एंड सो ऑन, कहां तक मिलेगा अगर देखा जाए तो एंड सो ऑन अगर देखा जाए तो क्लास ट्वेल्थ जो होगा, क्लास ट्वेल्थ प्लांट ट्री कितना मिलेगा, थ्री इंटू ट्वेल्व कितना प्लांट करेगा, 36, इस तरीके से। तो ये लिस्ट ऑफ दिस नंबर फॉर्म देख लें, अगर थ्री है, सिक्स है, नाइन है, ट्वेल्व है, दिस नंबर फॉर्म एपी, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, 36 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए क्या है आपके पास, थ्री है, बी डी क्या आपके पास, वो भी थ्री है,
ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्लास 12 तक यानी टोटल समय, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है, क्लास 12 है, एक से लेकर 12 तक आप काउंटिंग कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल ट्रीज, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स मीन्स टोटल ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, प्लांटेड बाय स्टूडेंट, टोटल ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट, ये मिलेगा हमें। और अगर देखें तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल ट्री, सॉरी, टोटल ट्री प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये चीज मिलेगा कि हमारे पास क्या है, एस से एस 12 निकालना पड़ेगा। एस एन इक्वल टू कितना होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये मिलेगा। एस एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पास, 12 बाई टू, ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पास, 3 है, d कितना है, 3 है, ठीक है, क्या मिलेगा, 6, 6, फिर 11, 33 इंटू 17, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है, 12, ठीक है, 6 और 102, ठीक है, इतना ट्री प्लांट किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपके पास। वही तो यहां पास 33 होगा, और ये बनेगा 39, ठीक है, ये होगा आपके पास 39, तो मिलेगा क्या आपके पास, 54 और 6 3 18 और 18 और 5 23, ठीक है, ये हो गया आपके पास टोटल ट्री प्लांट, क्या हो गया टोटल ट्री, क्या मिला, सबका सम हमने निकाल लिया, टोटल ट्री कितना, 234, ठीक है, ये मिलेगा आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, नंबर क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम को भी आप देख लीजिए। स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल, एक स्पाइरल जो होती है वो सक्सेसिव सेमी सर्किल बनाता है विद सेंटर अल्टरनेट, जिन सेमी सर्किल की बात हो रही है उनका सेंटर अल्टरनेट चेंज होता रहता है, ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, जो भी स्पाइरल बन रही है वो पहला जो स्टार्टिंग हो रहा है वो सेंटर ए से स्टार्टिंग हो रहा है, ऑफ रेडियाई, जिसकी रेडियाई है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद अगला सेमी सर्किल जो मिलेगा उसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद वाला जो मिलेगा उसका 1.5 सेंटीमीटर होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.4, ये फिगर आपके पास दे रखा है। ये जो कह रहा है कि सक्सेसिव सेमी सर्किल बने हुए हैं, इनकी बात समझिए, कह रहा सक्सेसिव सेमी सर्किल है और इस सेमी सर्किल का जो सेंटर है वो अल्टरनेट है, और जो पहला सेमी सर्किल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास एक ये है,
और एक ये, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप देखें तो ये जो है ये सेमी सर्किल यहाँ से स्टार्ट, ये सेंटर ए हो गया और ये बी हो गया, ये सर्किल यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके पास सेंटर ए, सक्सेसिव सेमी सर्किल ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा सेमी सर्किल स्टार्ट होगा, ये होगा, फिर तीसरा सेमी सर्किल स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, फिर चौथा सेमी सर्किल स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से होता हुआ चला जाएगा। तो फर्स्ट सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है, फर्स्ट सेमी सर्किल की रेडियस अगर देखा जाए, यहां से ये आर वन हो गया, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, उसके बाद में अगर देखा जाए आर थ्री हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आर फोर हो जाएगा, इस तरीके से चलता हुआ रहेगा, ठीक है। तो हमें अगर देखा जाए तो R1, R2 और R3 इस तरीके के सेमी सर्किल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो हमें सेमी सर्किल्स मिलता चला जा रहा है लगातार, ठीक है। तो फर्स्ट सेमी सर्किल देखा जाए तो हमें जो बोला गया है इसमें, हमें ये बोला गया है कि जो सेमी सर्किल जो है इसमें कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल, यानी 13 सेमी सर्किल बनाने में आपको कितना लेंथ लगेगा वायर का, ये समझिए 13 सेमी सर्किल बनाने में कितनी लेंथ लगेगी वायर की, ये आपसे बोला जा रहा है कितनी लेंथ लगेगी वायर की, ठीक है। तो इसको बनाया जाए अगर तो देखते हैं हम, कह रहा है कि ये सेमी सर्किल है इसकी लेंथ कुछ होगी, ये अनदर सेमी सर्किल है इसकी लेंथ कुछ होगी, ये तीसरी सेमी सर्किल इसकी कुछ लेंथ होगी, इस तरीके से सेमी सर्किल बनता जाएगा। और कितने सेमी सर्किल बनेंगे, 13 सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक है। कितना सेमी सर्किल बनेगा, 13 सेमी सर्किल बनेंगे अगर देखा जाए तो, 13 सेमी सर्किल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 13 सेमी सर्किल की अगर बात किया जाए, 13 सेमी सर्किल हमारे पास मिलेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ कितनी होगी, उसके हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर, सेकंड सेमी सर्किल की लेंथ होगी उसके हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर, थर्ड सेमी सर्किल की लेंथ होगी वो भी इसके हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर। तो ये जो सर्कमफेरेंस है इनको अगर ऐड करा जाए बारी बारी से, ये सेमी सर्किल इसकी लेंथ आ गई, ये सेमी सर्किल ये कुछ लेंथ आ गई, इस तरीके से ये लेंथ आ गए, तो ये अगर ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल जो मिलेगा, हमें टोटल मिलेगा पूरा का पूरा लेंथ मिल जाएगा, कहां तक आएंगे 13 सेमी सर्किल, यानी 13 सेमी सर्किल को ऐड कर देंगे वो आ जाएंगे, 13 सेमी सर्किल के सर्कमफेरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है लेंथ, आप फर्स्ट सेमी सर्किल, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल कितना मिलेगा, क्या होगा आपके पास पाई आर वन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो है अगर आप देखा जाए तो पाई आर वन, क्योंकि सेमी सर्किल है पूरे सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है, तो अगर हम 2 हाफ की बात करते तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो पाई आर ही बचेगा, तो पाई आर वन मिला आपके पास, पाई आर वन, ये समझिए। तो आर वन की जो वैल्यू है वो 0.5 है, रेडियस जो है पहले सेमी सर्किल की रेडियस कितना 0.5, तो ये मिलेगा 0.5π, ठीक है। इस तरीके से लेंथ आप सेकेंड सेमी सर्किल, सेकेंड सेमी सर्किल ये कितना मिलेगा, इसकी भी लेंथ अगर देखा जाए तो इसकी भी पाई आर मिलेगी, और पाई आर, लेकिन यहां आर क्या है, यहां आर जो है रेडियस कितनी है, यहां सेकंड सेमी सर्किल की बात हो रही है तो उसकी रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, मींस रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, मींस तो पाई आ जाएगा ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, तो थर्ड सेमी सर्किल की अगर बात करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें फिर से पाई आर मिलेगा और आर की वैल्यू यहां पास कितनी हो जाएगी 1.5π। इसी तरीके से आप अगर देखें, इसी तरीके से अगर देखें तो हमें 13 सेमी सर्किल की बात करेगा, 13 सेमी सर्किल की, और इस तरीके से ये बनता हुआ सिक्वेंस चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो हर एक
टर्म्स में, पहले सेमी सर्किल का लेंथ इतना है, दूसरे का इतना है, तो अगर देखते चले जाए तो ये डिफरेंस दिख रहा है आपको कितना, 0.5 पाई का डिफरेंस दिख रहा है हर एक के बाद में, 0.5 का, ठीक है। तो यहाँ पास A1 कितना मिला, A1 प्लस 0.5 पाई, A2 जो दिख रहा है वो कितना है, 1 पाई, उसके बाद A3 की जो दिख रहा है वो क्या आपके पास दिख रहा है, आपके पास अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगा आपके पास 1.5 पाई, ये मिलेगा इस तरीके से आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो अगर देखें दिस लिस्ट फॉर्म एपी, ये जो लिस्ट है वो क्या बना रही है, एपी बना रही है विद कॉमन डिफरेंस, जो है कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए तो पाई माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 पाई मिलेगा कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो ये मिलेगा हमको मिलेगा यहां पास 0.5 ही मिल रहा है फर्स्ट टर्म, ठीक है। इस तरीके से हम इन सब लेंथ को कहां तक ऐड जाए, 13 सेमी सर्किल तक अगर ऐड कर देंगे तो टोटल स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी। तो जो है जो एन है, नंबर ऑफ सेमी सर्किल कितना है, नंबर ऑफ सेमी सर्किल कितने हैं, नंबर ऑफ सेमी सर्किल ये कितना है, नंबर ऑफ सेमी सर्किल कितना है, 13 है। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है, 13 है। और अगर हम इसको देखें, हम इसे देते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, Sn होता है, और Sn की जो वैल्यू होती है वो Sn इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस n माइनस 1 डी होती है, ठीक है। यहाँ पास a पता है, n पता है, सब कुछ पता है, आप कैलकुलेट करें मिलेगा क्या आपके पास। तो मैंने Sn यानी n की वैल्यू क्या है, 13, s 13, n क्या है, 13 बाई टू टू। अगर आपके a आपके पास बात किया जाए तो a की वैल्यू क्या है, 0.5 पाई है प्लस, फिर उसके बाद में 13 माइनस 1 कितना मिलेगा, 12 इंटू 0.5 पाई मिलेगा, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बन गया, 0.5 पाई, और ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, आप जरूरी नहीं है, आप यहाँ पास कर सकते हैं। यहाँ पास 2 का 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, इसका मतलब केवल पाई बनेगा ही। यहाँ पास अगर देखें 12 का 5 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, 60 से एक डेसिमल खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा, 6 पाई मिलेगा। तो 13 बाई 2 इंटू 7 पाई, और आप जानते हैं पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू रखनी है 22 बाई 7, ये खत्म हुआ, ये 11 खत्म हुआ। आप 11 और 4 ये मिलेगा 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी हो गई, लेंथ ऑफ स्पाइरल 143 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बाकी कल डिस्कस करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट डाउन।